नमस्कार मित्रों, आज के इस युग में व्यक्ति अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ऐसे ऐसे योग लेकर आता है कि वो उनके कारण या तो अच्छे भोग भोगता है या बुरे भोग भोगता है। उसे हर प्रकार के संकटों का जीवन में सामना करना पड़ता है, शत्रुता निभानी पड़ती है, शत्रुताएं हो जाती है और विभिन्न रोगों से वो ग्रसित हो जाता है, हर तरह की प्रताड़ना से वो प्रताड़ित हो जाता है। यह सब क्यों होता है? इसका कारण है शनि। और शनि की दशा, चाहे शनि की ढैया हो चाहे साढ़े साथी हो, तो शनि की दशा व्यक्ति के जीवन में कैसे आती है इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रारब्ध कर्मों के अधीन शनि की दशा होती है। जो हमारे प्रारब्ध कर्म है जो कि पूर्ण उस समय ना हो पाए थे, उनके फल स्वरूप उसके बाद में हमें यह इस जन्म में वो भोग भोगने पड़ते हैं, चुकाना पड़ता है। और अगर हम इसका उपाय कर लें, हम उस रुकावट को ही दूर कर दें, तो हम अच्छे फल शनि के प्राप्त कर सकते हैं, हम उसका अच्छा प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। और सभी प्राय लोग जानते हैं कि शनि ग्रह को दबाने वाला ग्रह होता है मंगल, यानी कि हनुमान जी। और हनुमान जी शनि को अपनी बाजू में दबा करके रखते हैं, ऐसा आप सभी लोग प्राय जानते होंगे। और वो किस व्यक्ति के कुंडली में जो व्यक्ति हनुमान जी का उपासक होगा, तो और वो हनुमान जी का उपासक होने को साथ साथ यही नहीं है कि हम खाली पाठ करके हम शनि के दोष से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ विशेष तांत्रिक मंत्र है जिनका उपयोग हमें करना आवश्यक होता है, क्योंकि उनके जबरदस्त प्रभाव के कारण ही शनि को दबाया जा सकता है। इसलिए और शनि एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी काम करता है और व्यक्ति को पाताल के अंदर भी धकेल सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि शनि अनिष्टकारी होने के साथ साथ व्यक्ति को बड़ी ऊंचाइयों तरक्कियों तक पहुंचा सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बड़े उच्च औहदे राज्य तक प्राप्त करने की शनि की ताकत होती है। इसलिए अगर हमारे कुंडली में शनि खराब है, खराब प्रभाव दे रहा है, या हमारे शनि की दशा आने के कारण हमारे सारे काम बिगड़ रहे हैं, हम हर तरह से परेशान हैं, जहाँ कदम रखते हैं वहाँ हमें संकट का सामना करना पड़ता है, पग पग पे शत्रुता पैदा हो रही है, ऐसे समय में आप समझ जाइए, चेत जाइए और अपने आप को आप सुदृढ़ कर दीजिए कि आपको इस बाधा को दूर करना होगा। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपराएं रही हैं, उन्होंने जो हमें मंत्र जो शक्तियां प्रदान की है वो सभी उसके उपयोग के लिए है, और यह सभी साक्षात भगवान शंकर द्वारा ये बताए गए हैं। इसलिए हमें उन बातों को अपने जीवन में ढाल करके हमें अपनी परेशानियों को दूर करना है, हमें अपनी बाधाओं को रुकावटों को दूर करना अति आवश्यक है। तो जो मैं आज आपको उपाय बताना चाहता हूं, ये शनिवार का ये उपाय है, और शनिवार को ही आप इस उपाय को आपको करना है। और आपको करना ये है कि हनुमान जी के मंदिर में जाने के पश्चात में सायंकाल में, कम से कम सायंकाल में 6 बजे के बाद ही आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाएं जो आपके घर के आसपास उपलब्ध हो। और जाकर के इस बात का ध्यान रखें कि कुछ सामग्री जो मैं आपको वस्तु बताना चाहता हूं वो आपको अपने साथ में लेकर के जाना है। आपको रोट, गुड़ का बना हुआ, घी में बना हुआ रोट आपको, जो हनुमान जी का अत्यंत प्रिय होता है, वो आपको अपने साथ में लेकर जाना है। यानी कि जिसे मोटी रोटी भी कहा जाता है, और उसमें छेद होते हैं जिनमें घी और गुड़ का मिश्रण भरा जाता है, उसे रोट कहा जाता है, और वो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। तो वह जो एक भोग है हनुमान जी का, रोट का भोग उसे कहा जाता है, और उसे आप अपने साथ में लेकर जाएं थैली के अंदर, और उस रोट के आप हनुमान जी के मंदिर में जाने के पश्चात में 11 टुकड़े कर दीजिए, और वो ऐसे के ऐसे ही आपको हनुमान जी के सामने रख देना है। और उसके पश्चात एक माला आपको, जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसकी आपको करनी है। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय मम सर्व विघ्न बाधा निवारणाय माम रक्ष रक्ष मनोवांचितम देही ओम फट। यह बड़ा ही शीघ्र प्रभाव, तत्काल प्रभाव दिखाने वाला साबर मंत्र है, और अवश्य ही इस मंत्र के जप से सिर्फ एक माला मात्र आपको करनी है, और जो भोग आपने रोट कर हनुमान जी को लगाया है, उन 11 ही टुकड़ों को आपको सभी श्रद्धालुओं को भेंट करना है, उनको देना है प्रसाद के रूप में। और आप स्वयं यह चमत्कार देखेंगे कि 24 घंटे के अंतराल के बाद ही आपके कार्य में बाधाएं दूर होने लग जाएगी, आपके शत्रु हार को प्राप्त होंगे, आपके रोगों का नाश होगा, और जो जो मनोवांछित आप चाहते हैं वो सब आपको धीरे धीरे स्वतः ही आपको प्राप्त होने लग जाएंगे, आपके जो दिनमान हैं आपके अनुकूल होने लग जाएंगे।
और अगर आप इस मंत्र की नित्य एक माला करते हैं और फिर अपना कोई भी कार्य करते हैं तो सारी शनि की जो भी दशाएं हैं मात्र 21 दिन के जप से ही दूर हो जाती है। तो समझ जाइए कि मंत्र कितना प्रभावशाली और ताकतवर मंत्र है और अवश्य ही आपको इस मंत्र का फायदा उठाना चाहिए। जय बजरंगबली।